आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। देश प्रदेश में महंगाई की समस्या अब विकराल रूप लेती जा रही है। लगातार इस महंगाई से हमें और आपको दो चार रोज होना पड़ रहा है और इस समस्या का कोई भी रास्ता अब दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और अभी तक इसका कोई रास्ता ना निकलने से ये लगभग पता चल चुका है या समझ आ रहा है कि अब आने वाले दिनों में ये महंगाई और बढ़ेगी और लोगों को इसकी समस्या से और दो चार होना पड़ेगा। अगर पहले के समय की बात करें तो हम 200 रुपए में सब्जी खरीद करके झोला भर के अपने घर चले जाते थे, लेकिन आज के समय में वही सब्जी 500 रुपए में भी हमारे झोले को नहीं भर पा रही है। क्या कारण है ये पता नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम किस कदर बढ़ चुके हैं वो आप सबको पता है। लोग अब ये सोच रहे हैं कि साइकिल ले ली जाए और साइकिल से ही आगे का सफर तय किया जाए, क्योंकि 105-106 रुपए का पेट्रोल एक लीटर वो कितनी दूर तक जाएगा ये लोगों को अंदाजा नहीं है और ये समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है कि आखिर इस समस्या से निजात कैसे पाया जाए। डीजल का भी वही हाल है और इसके अलावा जो घर के अन्य खर्च हैं, जिसमें खाद्य पदार्थों की बात कर ली जाए तो उनका भी दाम लगातार बढ़ते जा रहा है। दालें महंगी होती जा रही हैं, राशन महंगा होता जा रहा है, या यूं कहा जाए कि थाली महंगी होती जा रही है तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा बिजली का बिल, बच्चों की फीस, एक आम व्यक्ति की आय और आम व्यक्ति या आम नागरिक की समस्याएं इस कदर बढ़ती जा रही हैं कि अब उस पर कैसे लगाम लगेगी ये समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं एक रिपोर्ट के मुताबिक आपसे बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में जो रिटेल महंगाई की दर है वो 8 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। बताया जा रहा है कि मार्च में जो महंगाई दर 6.95% हुआ करती थी वो महंगाई दर अप्रैल आते आते 7.79% हो चुकी है। इसके पहले सरकारों की तरफ से आरबीआई को ये गाइडलाइन दी गई थी कि जो भी महंगाई दर हो वो 4% के आसपास हो और उसमें 2% का आगे पीछे का चल सकता है, लेकिन अगर एक लंबे समय से बात करी जाए या फिर अगर देखा जाए तो करीब 6 से 7 महीने से ये जो महंगाई दर का प्रतिशत है ये आरबीआई के काबू में नहीं रहा है। जो स्लैब उसे बताया गया था उस स्लैब से कहीं ज़्यादा, जो हाई स्लैब पहुंच रहा है ये महंगाई दर, उससे आरबीआई भी सही तरीके से लड़ नहीं पा रहा है और उसे काबू में नहीं कर पा रहा है। क्या कारण है इसका ये बताया नहीं जा सकता। लगातार जिस तरह से समस्याएं बढ़ रही हैं, आम व्यक्ति का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो रहा है और ऐसे में अब इसका आगे का क्या रास्ता निकलेगा ये हमें और आपको नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि जब हम अपने घरों से पैसे लेकर निकल रहे हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए और दूसरे दिन फिर उसी सामान को खरीदने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं कुछ पैसों की वृद्धि ज़रूर हो जा रही है। मैं बात खाद्य पदार्थों और सब्जियों की कर रहा हूँ, दालों की कर रहा हूँ, राशन की कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो चीज़ हम 50 रुपए में खरीद रहे हैं अगले दिन जाने पर हमें पता चल रहा है कि वो 52 रुपए का हो जा रहा है। लगातार इस तरह के दामों में वृद्धि सामानों में होती जा रही है और इस समस्या से हमें और आपको रोज़ दो चार या रूबरू होना पड़ रहा है। ये तो बात हो गई महंगाई की। महंगाई के साथ साथ एक समस्या और है जो देश में सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है और वो समस्या है लगातार रुपए के गिरने की। अगर रुपए की बात करी जाए तो रुपए इस वक्त 77.63 प्रति डॉलर तक पहुंच चुका है। आज की अगर बात करें तो आज 77.42 रुपए प्रति डॉलर भारत का रुपया चमक रहा है। इसको चमकना नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमारे लिए भारत का रुपया सबसे अहम है, इसी वजह से हम इसे चमकने जैसे शब्द का इस्तेमाल जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो हालात हैं वो चमकने वाले तो नहीं है। तो एक तरफ कोविड की महामारी, लॉकडाउन, लोगों का रोजगार चला गया, व्यवसाय चौपट हो गया, आमदनी खत्म हो गई और उसके बाद इस तरह की समस्याएं जिससे लोग जूझ रहे हैं, जिसमें महंगाई सबसे प्रमुख है, बेरोजगारी सबसे प्रमुख है, स्वास्थ्य सबसे प्रमुख है, आखिर इन समस्याओं से कैसे लड़ा जाए,
अर्थव्यवस्था के गिरते हुए ढांचे को कैसे सही किया जाए, इन सबको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा से पहले ये जान लेना और समझ लेना जरूरी है कि आखिर इस तरह की समस्याएं उत्पन्न क्यों हुई, और उसी को जानने और समझने के लिए मैंने आज इस डिबेट को आमंत्रित किया है। इस डिबेट को जानने की और समझने की कोशिश आप भी करिएगा कि आखिर इस समस्या से निजात कैसे पाया जाए, ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई, और लगातार इस समस्या से हमें और आपको कब तक रूबरू होना पड़ेगा, इस डिबेट के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस चर्चा को शुरू करता हूं। देखिए, जहां तक रुपए की वैल्यू गिरने की बात है तो रुपए की जो वैल्यू होती है ये इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, और इस समय इंटरनेशनल मार्केट में भी या जो डॉलर है, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि वहां पर भी महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। अब रही बात जो हमारे देश में महंगाई की दर है, जो रिटेल महंगाई की दर आपने कहा कि सबसे ज़्यादा है पिछले 8 सालों में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई इस देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और महंगाई बढ़ जाने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स इंटरनेशनल रीजंस की वजह से भी हैं और इंटरनल रीजंस की वजह से भी हैं, लेकिन रीज़न कुछ भी हो, इन पर कंट्रोल कर पाना सरकार के हाथ में है। बहुत सारी चीज़ों को कर्व किया जा सकता है, लेकिन इस देश में जैसा आप पिछले 2-3 सालों से सुन रहे हैं कि लोगों को राशन, फ्री राशन दिया जा रहा है, किसान निधि जा रही है, गरीब निधि जा रही है, दुनिया भर की निधियाँ जाती हैं, दुनिया भर के फंड जाते हैं माइनॉरिटी के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, तो ये जो फंड का पॉलिटिकल एलोकेशन है जिसका वाकई में सामाजिक डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जो पॉलिटिकल एलोकेशन है, ये पॉलिटिकल एलोकेशन भी महंगाई बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर इन पॉलिटिकल एलोकेशन यानी कि सरकार के खजाने में जो पैसा है उसको सही तरीके से, सही उद्देश्य से और जनहित के उद्देश्य से लगाया जाए, और जो फ्री की स्कीमें बांटी जाती है, फ्री का पैसा बांटा जाता है, ये ना दिया जाए तो महंगाई को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी टीवी स्क्रीन पर भी अपनी देख सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दृश्य दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये दृश्य मनमोहित तो नहीं करते, क्योंकि जब भी हम पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल डलवाने के लिए जा रहे हैं तो जिस तरह से पेट्रोल वहाँ से मशीनों से बाहर निकल रहा है उससे ज़्यादा पसीना हमारे माथे से निकल आता है, क्योंकि जब मीटर चल रहा है तो मीटर में ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर अब 100 रुपये में कितना पेट्रोल हमें मिलेगा, क्योंकि पहले हम 100 रुपये का पेट्रोल डलवा करके 1 से 1.5 दिन तक चल जाते थे, लेकिन अब 100 रुपये के पेट्रोल में बामुश्किल हम 1 दिन चल पा रहे हैं। अगर बहुत लंबा सफ़र है तो वो लंबा सफ़र तो भूल जाइए कि वो 100 रुपये में निपट जाएगा। गैस सिलेंडर की बात करी जाए उसमें भी लगातार दामों में वृद्धि होती जा रही है, 1000 के पार का सिलेंडर हम खरीद रहे हैं, लोगों को खाना बनाने में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, लोगों के घरों तक गैस सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि उसके दाम इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब लोग कहीं ना कहीं दूसरे उपकरणों पर खाना बनाने को मजबूर हैं, दूसरे रास्तों को तलाशने पर मजबूर हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये महंगाई को लेकर के हो रही हैं। राशन की समस्याएं मैंने आपको बताई कि जिस तरह से दाल, चावल, सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, दूध के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पैकेट पाउडर मिल्क जो आता है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक आम जीवन को अस्त व्यस्त करने में काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही हैं, और इन सारी समस्याओं से हमें और आपको लगातार रूबरू होना पड़ रहा है। इन समस्याओं से हम निजात कब पाएंगे, कब ये स्थितियां बेहतर होंगी, सुधरेंगी, ये अभी तक नहीं पता है। लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि अगर इसी तरह से मामला बना रहा तो आने वाले दिनों में ये महंगाई और बड़ी हो जाएगी और विकराल हो जाएगी। और ये भी बताया गया है कि RBI की तरफ से जो ब्याज दरें हैं वो ब्याज दरें भी बढ़ाई जा सकती हैं ताकि इस महंगाई दर को कंट्रोल किया जाए। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो आप समझ लीजिए कि जो लोन मिलता है आपको, जो कर्जा आप लेकर के अपने व्यापार को शुरू करने की सोचते हैं, घर बनवाने की सोचते हैं, या किसी और चीज़ के लिए सोचते हैं कि उस चीज़ को बेहतर कर लिया जाए कर्जा लेकर के बैंकों से, वो भी उसी तरह से और महंगा और कठिन हो जाएगा।
तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं, उनसे आपको रूबरू कराऊंगा। देशबंधु दीक्षित जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, रजी हसन हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जनता संघर्ष मोर्चा से सुभाष यादव जी जुड़े हुए हैं, अंकुर सक्सेना साहब हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं, और अर्थशास्त्री के रूप में जावेद अहमद साहब जुड़े हुए हैं, सीनियर अर्थशास्त्री हैं। बहुत डिटेल से मैंने इनको सुना है, समझा है, और हमेशा से ये इन जैसे विषयों पर गहनता से अपना जो पक्ष है वो रखते आए हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगा जावेद भाई। जावेद जी, बहुत लंबे समय बाद आपसे बात हो रही है इस विषय पर। हमने सोचा नहीं था कि एक बार फिर से हम महंगाई पर चर्चा करेंगे, लेकिन महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है और रुपए लगातार जिस तरह से गिरता जा रहा है, क्या कारण है, इस कारण से, इस समस्या से कैसे उभरे हम लोग? जावेद जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, फिलहाल जावेद जी को आवाज नहीं मिल रही है, प्लीज इसको सही किया जाए। देशबंधु जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, आवाज मिल रही है। देशबंधु जी, यही सवाल आपसे भी है कि लगातार ये समस्या जो है वो विकराल होती जा रही है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, महंगाई दर बढ़ती जा रही है, 8 साल का रिकॉर्ड टूट गया है महंगाई दर का, रिटेल महंगाई दर का, पैसा गिरते जा रहा है लगातार, क्या कारण है इसका? नहीं, देखिए, आपने जो आज मुद्दा बड़ा संवेदनशील है जी और बड़ा लंबा है, विस्तृत है, महंगाई का भी मुद्दा आपने जोड़ दिया, साथ में रुपए का अवमूल्यन भी जोड़ दिया। तो इस पर मैं महंगाई के मुद्दे पर मैं इतना कहना चाहूंगा, देखिए, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो अंतरराष्ट्रीय बाजारों के नियमानुसार तय होते हैं। अच्छा। और निस्संदेह है, इस बात को मैं मानता हूँ और सहमत हूँ आपकी बात से कि पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़ेंगे तो उसी से लिंक रहते हैं, तो सभी वस्तुओं के दाम अपेक्षाकृत बढ़ जाते हैं। तो क्या हम पेट्रोल और डीजल के दामों को किसी भी तरीके से काबू में नहीं ला सकते? नहीं, देखिए, हमारे जो आपने कहा नितिन जी, पेट्रोल और डीजल के दामों के लिए हमारे वित्त मंत्री ने और बहुत सी कमेटियां गठित हुई इससे पहले भी, उसको जीएसटी के अंदर लाया जाए, और पेट्रोल और डीजल अगर जीएसटी के अंदर आते हैं तो निस्संदेह जो काम उसमें पेट्रोल के दाम बहुत कम हो। तो सर, किस चीज का इंतजार है? उसके अतिरिक्त भी देखिए, हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी ने अन्यत्र विकल्प आपने देखा होगा, जैसे एथेनॉल हुआ या सोलर ऊर्जा हुआ या उसके अतिरिक्त जो है ऊर्जा के अन्य स्रोत, जो पेट्रोल इंजन की, पेट्रोल या डीजल की जगह ले सके और उसका इस्तेमाल करें तो उससे हमारा मूल्य काफी जाएगा। राशन कैसे सस्ता होगा, दाल चावल कैसे सस्ता होगा, ये बताइए। रजी हसन पूछ रहे हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपने घर अगर अभी यहाँ से निकल के चावल खरीदते हुए जाऊँ तो सस्ता कहाँ मिलेगा? नितिन जी, मैंने कहा ना, मुझे आप एक मिनट के उत्तर, जिसे आपने कहा दाल चावल कैसे घटेगा, संदेश पेट्रोल और डीजल के दाम जैसे ही घटेंगे वैसे ही अपने आप देखते हैं चीजों के दाम घटेंगे। उसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं हमारी भारत सरकार और डबल इंजन सरकार लगी हुई है और तमाम अन्यत्र विकल्प जो जनता को राहत देने वाले हैं उस पर काम किया जा रहा है। उसमें बड़ी जिम्मेदारी, मतलब हम ये मान लें कि जब तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटते हैं तब तक ये महंगाई नहीं घटने वाली। नहीं नितिन जी, उसके अलावा भी अन्यत्र विकल्प है, सरकार ने प्रयास जारी है और आने वाले कुछ सप्ताह में देखिएगा महंगाई से निजात मिलेगी। मैं मानता हूँ चुनौतियाँ हैं और उस चुनौतियों को स्वीकार करके ठीक है सर, सरकार पूरा सरकारी अमला और ये मुख्यमंत्री का, हमारे प्रधानमंत्री का निर्देश है कि जनता के हित के लिए ठीक है, जो अच्छी से अच्छी योजनाएं बनाई जाए ताकि महंगाई की मार से जनता को जल्द से जल्द राहत मिले। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। जावेद अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए। जावेद जी, कई मुद्दों पर आपसे मेरी पहले भी चर्चा हो चुकी है इनसे जुड़े हुए, आज फिर इस विषय पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये कारण, ये समस्या क्यों बढ़ती जा रही है, क्या रास्ता निकाला जाए, कैसे इस समस्या से बचा जाए ताकि जो हमारी थाली है वो सस्ती हो सके, जो लगातार रुपया गिर रहा है उसे बचाया जा सके। इसका मुख्य वजह जो है, आप इसका कारण ये समझ सकते हैं कि जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय जो गिरावट है पूरे
अपने क्षेत्र और बाहरी क्षेत्रों में, जिसमें यूक्रेन की बात की जाती है, पेट्रोल के और उनके प्रोडक्ट की महंगाई की बात की जाती है, तो घरेलू जो हमारी समस्या है उससे थोड़ा सा इसका मुख्तलिफ यानी डिफरेंट है। हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार है, जो महंगाई अगर सिर्फ पेट्रोल की बात करती है तो एक मुख्य मुद्दा ये भी है, लेकिन उसके अलावा जो एक कदम उठाने थे और उसके वो कंट्रोल करना था उसपे नहीं सही समय पर उठाया गया। जैसे कि कोयले का आपके पास एक विकराल स्थिति पैदा हुई जिससे कि प्रोडक्शन में कमी आई है। जैसा हमारे मित्र कह रहे थे कि जो नई प्लान और पॉलिसी है और डेफिनेटली वो एक है उसका उपाय, लेकिन अभी सामने इमीडिएट उसका कोई हल नहीं दिख रहा है। और इसका तो सरकार के पास ही है ऑप्शन, जीएसटी पे जब तक कुछ उस पर कटौती नहीं होगी तब तक आपको महंगाई पे कम आपको नहीं कहीं राहत नहीं मिलने वाली है। यूक्रेन एक मुद्दा, ये देशबंधु दीक्षित कह रहे हैं सर कि जब तक तेल या पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते नहीं होंगे तब तक भूल जाइए कि महंगाई कम होगी। नहीं, ये बात तो यूपीए के भी दौर में था, जब बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्राइस थी तब भी उन्होंने उसको मैनेज किया और पड़ोसी देशों और भी देशों से कंपेरिजन किया गया तो कम पाया गया था। आज भी आप देखेंगे जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश हैं और भी देश हैं, वहाँ पे आज भी पेट्रोलियम का जो रेट है वो हमारे हिंदुस्तान से कम है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो जीएसटी पे किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती है और उसके वजह से वो कम नहीं आना चाहती है। आरबीआई ने भी बहुत खुले तौर पे ये कह दिया है कि अगर हम इसका अगर निस्तारण भी करते हैं तो एक दशक लगेगा, जो हमारा इकोनॉमी में जो हमारी गिरावट आई है, जो हमारा हर लेवल पे इसका जो नुकसान हुआ है। तो सिर्फ ये कह देना कि बाहर महंगा है, तो बाहर तो पहले भी महंगा था, इससे ज्यादा महंगा था। आज तो $45 है, पहले तो कभी ज्यादा 70 होता था। तो ये लॉजिक जो है फिट नहीं बैठता है। सरकार को कुछ सार्थक कदम उठाने होंगे और अपने चीजों पे उसको कंट्रोल करने होंगे। ये सरकार के लेवल पे ही हो पाएगा। आज सरकार के पास जीएसटी का जो रेवेन्यू है वो कहीं ज्यादा है पहले से, ठीक है। अगर वो ज्यादा है तो वो जनता से ही तो आ रहा है, लेकिन उसको जनता से राहत नहीं मिल रही है। मिसाल के तौर पे राशन की बंटवारे की बात है, तो आप कहीं ना कहीं चीजों को अपने 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 जो जो हमारी जो स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, उसका कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज उसके संसाधनों से हो रहा है। इसको हम ये कह सकते हैं कि सरकार का जो अभी आरबीआई ने जो रेपो दर बढ़ाया है, जो लोन है उनको आपने माफ कर दिया जो बड़े देनदार थे, तो 6,000 करोड़ से ज्यादा लोन माफ हो गए और रेपो रेट बढ़ के और जनता से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो क्या ये कदम कहीं ना कहीं बढ़ावती या जो उसका कंपनसेशन है जनता से ही तो होगा? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ। ये कहना है इससे, ठीक मैं आता हूँ आपके पास। अंकुर सक्सेना हमारे साथ आरएलडी से, आता हूँ रजी भाई आपके पास। अंकुर भाई, ये समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, ये दिक्कत क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए नितिन भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग जो 124-125 करोड़ भारतीयों का एक परिवार है, और जिस समय कोई समस्या आती है तो हम लोग राजनीति को वो परिवार एक बंद मुट्ठी की तरह उस समस्या का सामना करें तो मुझे लगता बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही बात। दूसरी बात है, जो परिवार होता है उस परिवार में एक लोकल गार्जियन होते हैं, संरक्षक होते हैं, तो जिसकी सत्ता होती है वो हमारा संरक्षक के तौर पे कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी, अभी देशबंधु जी ने कहा डबल इंजन की सरकार है, नो डाउट डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। तो उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि पॉलिसीज का ऐसा क्रियान्वयन करें कि हमारी यहाँ महंगाई कम हो, मुद्रा का मूल्यन कम हो। लेकिन समय रहते चूंकि परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया गया, इसीलिए समस्या ऐसा नहीं है, इंडिकेशन नहीं आ रहा था। जब लास्ट ईयर कोरोना काल में हमारे यहाँ ग्रोथ रेट बहुत चली है, उस समय तो ये माना गया कि पूरे वर्ल्ड में चूंकि प्रोडक्टिविटी जीरो थी, इस वजह से हर जगह ग्रोथ रेट डाउन था। उसके बावजूद हमारे यहाँ जो इकोनॉमी थी उसको एग्रीकल्चर सेक्टर ने लगभग 4+4 में ले जाके हम लोगों की इकोनॉमी को संभाल रखा था। एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जिसने हमारा कोरोना काल में भी हम लोगों को सहारा दिया था, लेकिन सरकार ने चूंकि इलेक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया, सरकार ने विभिन्न
ऐसे मुद्दे पे ध्यान दिया जिससे आम जनता का भटकाव हो जाए, लेकिन सरकार ने ना एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान दिया। इसके अलावा अभी आप ही की डिबेट में बात उठ रही थी कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने आपका कोयला बिजली समस्या पे ध्यान नहीं दिया। बिजली, अगर बिजली आज की डेट में बहुत से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गए हैं, सरकार क्या कर रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तो भी आगे नहीं बढ़ा रही है। धीरे धीरे हमारा देश क्या है, आप देखिए जहाँ पे बिजली कनेक्शन कहा गया था किसानों के लिए बिजली का जो मीटर्स होंगे बिजली का रेट खर्चा होगा या उनके लिए कुछ यूनिट तक बिजली को फ्री करने की बात भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा दी गई थी, और ये भी कहा गया था कि पिछले समय में जो बिल आए थे उनमें भी छूट मिलेगी। लेकिन आज की डेट में किसान लोग जब मीटर के लिए अप्लाई करते तो उन्हें ₹1-1 लाख का समा दिया जाता मीटर कनेक्शन अप्लाई के लिए। और जहां तक सवाल है आज की डेट में रशिया यूक्रेन, तो ये इंटरनेशनल चीजें हैं, ये समस्याएं तो देखिए रशिया और यूक्रेन पर निर्भर नहीं करता है। हमेशा हर सरकार के समय में कभी ईरान इराक युद्ध, कुवैत युद्ध रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल पे तो अस्थिरता का दौर चलता था, मुझे नहीं लगता, चलता मुझे है नहीं और लगता, चलता अंकुर है भाई, मुझे नहीं लगता हमारे कि सरकार मुझे को न्यूट्रल भाव पे। मैं ये कह रहा था अंकुर भाई, मैं ये कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि मैं गांव में जाकर के अगर किसी से बताऊंगा कि दूसरे देश में युद्ध चल रहा है इसलिए हमारे यहाँ महंगाई हो गई तो कोई मानेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है नितिन जी, आपने बिल्कुल पॉइंटेड बात की है, लेकिन इसी चीज को भारतीय जनता पार्टी को जिसकी केंद्र में सत्ता है उसको इस बात को समझना चाहिए कि जनता नहीं मानेगी। और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व इस बात को बखूबी समझता है, उसको ये पता है कि हमारे देश में महंगाई मुद्दा है, उसको ये पता है हमारे देश में बेरोजगारी मुद्दा है, उसको ये पता है हमारा देश भ्रष्टाचार के मामले में अव्वल हो रहा है, उसको ये पता है हमारा देश में मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है, इसीलिए उसने महंगाई भ्रष्टाचार मुद्दा के अवमूल्यन बढ़ते डीजल पेट्रोल पदार्थों के रेटों से ध्यान हटाने के लिए मंदिर मस्जिद को मुद्दा बना रखा है। आप देखिए मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जिसने आज की डेट में परिवेश से अच्छे इस डिबेट को कराया है, जिसने महंगाई को मुद्दा रखा गया, गिरते हुए मुद्रा मूल्य को मुद्दा बनाया गया है। वरना आज की डेट में बड़े बड़े समाचार चैनलों की यह हैसियत नहीं है कि वो इन मुद्दों को डिबेट करे, क्योंकि ये आम जनमानस का मुद्दा है। अभी आपकी पिछली डिबेट भी बहुत अच्छी गई थी, जिस डिबेट आपने सिलेंडर के बढ़ते हुए प्राइस को जो डिबेट रखी थी, तो कहीं ना कहीं अगर जनता से जुड़े मुद्दे पे आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय को बड़ी सावधानी के साथ इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि ठीक है जो राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो राजनीतिक दल के प्रति उनकी जवाबदारी है, प्रतिबद्धता है, हम इसको बड़ी सावधानी से स्वीकार करते हैं। राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके प्रति प्रतिबद्धता होती है, लेकिन आपको इस बात को भी एडमिट करना होगा कि कहीं ना कहीं आपके नीति नियंत्रणों की खामियां जो गलतियां की है उसका खामियाजा हमारा आम आवाम भुगत रहा है, और अकेले आम आवाम नहीं भुगत रहा है, आप भी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, आपको भी उसका दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा। ठीक ठीक है अंकुर भाई, मैं आता हूँ। सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा, रजी भाई आप सबकी बात सुन लीजिए तब आऊंगा आपके पास। सुभाष जी, समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, थाली महंगी हो रही है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, देशबंधु जी कहाँ से सामान खरीदते हैं बता नहीं रहे हैं जहाँ सस्ता होता है। जी नितिन जी, देशबंधु जी कहाँ से सामान खरीदते हैं वो तो खैर देशबंधु जी ही बताएंगे, क्योंकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा वो जानते होंगे, बेहतर वो जानते होंगे। हाँ, ये वास्तविकता है कि आज के दौर के अंदर 8 साल के अंदर जो महंगाई का जो स्तर है सबसे ऊँचे मुकाम के अंदर पहुँच गया है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई संदेश या कोई शुभ नहीं होना चाहिए। इस महंगाई से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, भारत देश का या प्रदेश का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इससे अछूता होगा, सारे लोग हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि सही तमाम पैनलिस्ट लोगों ने जो बात की थी कि पेट्रोल की बात जो हो रही थी या डीजल की जो बात हो रही थी, रशिया की बात हो रही थी, यूक्रेन की बात हो रही थी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सच्चाई भी ये है कि कहीं ना कहीं जो पेट्रोल के जो दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से ही महंगाई बढ़ती है। अब इसको अगर आप रशिया से जोड़ लीजिए या यूक्रेन से जोड़ लीजिए, मैं ये सवाल सीधे सीधे तौर पे मैं सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो पेट्रोल का जो उत्पादन होता है या डीजल का जो उत्पादन होता है क्या हमारे भारत देश के अंदर होता है? भारत देश आज भी अपने पेट्रोल के लिए दूसरे देशों के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है, जिसके अंदर वो कुवैत हो गया, मिडिल ईस्ट की जो कंट्री होगी वो हो गया, इन देशों से हम लोग पेट्रोल या डीजल आयातित करते हैं, हमारे देश के अंदर तो होता नहीं है। अब अगर पेट्रोल और डीजल के दाम अगर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, जो महंगाई के अंदर जो उछाल आ रहा है वो उछाल आएगा। ठीक है, ऐसा सर, नहीं ठीक कि है, नहीं ठीक आएगा। है, मैं आता हूँ, मैं आऊंगा आपके पास, पहले मैं रजी हसन के पास चलूंगा। रजी हसन अपनी बात पूरी कर लीजिए, बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे थे, जल्दी से फिर मैं सुभाष जी के पास आता हूँ। धन्यवाद। जैसे कि देशबंधु दीक्षित जी ने बताया कि यूक्रेन और रशिया और पेट्रोल, बताया कि महंगाई का दर कैसे कम होगा। एक इस समय जो हमारे पर एक सामने हमारे फोटो पड़ी है,
ये घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उन्नीस मार्च 2014, जिसमें साफ साफ बड़े बड़े उत्तर प्रदेश की सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। दीक्षित जी ने ये बोला, भाजपा के प्रवक्ता ने ये बोला, अंकुर जी डिबेट का जो है सर्टिफिकेशन देते हैं। मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, देशबंधु जी प्लीज से बात कर रहे हैं, बोलने दीजिए भाई, बोलिए कि बहुत हुई देश में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश भर में इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए, होल्डिंग लगा दिए गए, मगर कहाँ है महंगाई ये आज भी पता है। इसके बाद एक पोस्टर हमारे पास और भी है कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या डीजल और पेट्रोल सस्ता हुआ नहीं। इसके हमारे साथ में और भी, हम आज तो हम आए थे पूरी तैयारी के साथ में, हमने सोचा था कुछ और भी यहाँ पर से बात की जाएगी दीक्षित जी से। जब भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के नेतृत्व करने के लिए उत्तर प्रदेश ने पूरे देश की सरजमीन पर चुनाव पर उतरे, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वादे किए। उन्होंने पहली मर्तबा यही कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। फिर उसके बाद दूसरा नारा दिया, बहुत हुई पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। उसके बाद इन्होंने नारा दिया, अरे नारे मत सुनाइए, कुछ आगे बढ़िए, नहीं नारे सुनने का समय नहीं है भाई, सुन लीजिए पहले पूरी बात, मेरी इसी से यहीं से शुरुआत। तो आप बात पे आइए सीधे। ये तो पूरी तरह से पूरी भारत की जनता को मुगेरी लाल के सपने भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए। नहीं अब मैं ये बता दूं, देशबंधु जी प्लीज, फर्स्ट राउंड में नहीं, योजना के तहत पूरे भारत वर्ष में सिलेंडर दूंगा और चूल्हा मुक्त कर दूंगा पूरा भारत। आज पूरे भारत वर्ष में गरीब मजदूर चूल्हा जलाने की नौबत में आ गया और आपने 1000 का सिलेंडर पहुंचा दिया। आपने वो सब पता है, इससे निजात कैसे पाएं ये बताइए, इससे निजात आप बताएंगे भाई। भारतीय जनता पार्टी के जो महोदय हमारे देश बंधु दीक्षित जी है, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर इस चैनल पर बैठकर, सरकार में है, सत्ता में है, ये कैसे होंगे और कब कराएंगे और कितनी जल्दी कराएंगे, कैसे कराएंगे इस जनता को इस महंगाई से कब निजात मिलेगी, हमें ये बताएं। ठीक है मैं आता हूं, क्योंकि भाई आप तो चुनाव लड़ लेते हैं, जातिवाद कर लेते हैं, चुनाव के समय शमशान आ जाता है, कब्रिस्तान आ जाता है, महंगाई बहुत कम कर देंगे, नौकरियां 15 लाख दे देंगे, 70 लाख नौकरियां दे देंगे, 15 लाख अकाउंट में आ जाएगा, मगर उसके बाद से धनातल पर जमीन स्तर पर क्या भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए और सुरक्षा के लिए कोई ऐसा काम किया, आप बताइए। ठीक है मैं आता हूँ। हाँ सुभाष जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप क्या कह रहे थे। नितिन जी मैं सुन रहा था अभी सम्मानीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हसन साहब को, आपने उनसे एक सवाल पूछा कि इस महंगाई के ऊपर कैसे लगाम लगाई जाए, उसके बारे में कोई उपाय। तो साहब एलिगेशन बहुत लगा रहे थे इसके पहले और बोलना भी चाह रहे थे लेकिन शायद बोल नहीं पा रहे थे, अब उनका मौका आया बोलने के लिए। तो महंगाई के ऊपर कैसे लगाम लगाई जाए उसके ऊपर तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कोई उपाय दिया। दूसरे जो पैनलिस्ट बैठे हुए थे, चाहे वो प्रवक्ता महोदय आरएलडी जी के हों या बीजेपी के जी हों या शास्त्री महोदय, इन्होंने कम से कम महंगाई के ऊपर बात की। उन्होंने ये सीधे जाके ज्ञानवापी पे या मस्जिद पे महंगाई पे शमशान वगैरह पे नहीं लेके चले गए, ये सीधे वहां लेके चले गए। आप क्यों जनता को सुनने की क्षमता रखी है हसन जी, सुनने की क्षमता रखी है। आपके बीच में जब मैं नहीं बोला ना तो मेरे बीच में आप भी मत बोले, आप सुने पहले, आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। अभी पोस्टर वार की बात कर रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं बोलना चाहता हूं कि 2014 के अंदर जब केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो 2014 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी और इनके पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय भी पेट्रोल 70-75 रुपए के आसपास था। तब उस सरकार ने, उस समय अगर वो चाहती तो जो सरकार के, जो राज्य सरकार के जो टैक्सेस लगते थे उसको कम करने का प्रयास क्यों नहीं किया। ये प्रयास नहीं करते हैं। मैं फिर भी यहाँ बोलना चाहूंगा कि महंगाई से सिर्फ ये पड़ोसी देशों की जो बात हुई थी ना अभी, अर्थशास्त्री महोदय जी ने बोला कि पड़ोसी देशों के अंदर जैसे कि बांग्लादेश हो गया या नेपाल हो गया, यहाँ पे पेट्रोल की जो रेटें बिल्कुल कम है, डीजल की रेटें बिल्कुल कम है, बिल्कुल मैं सहमत भी हूँ। लेकिन मैं फिर अर्थशास्त्री महोदय जी का और सारे पैनलिस्ट लोगों का ध्यान भी आकर्षण कराना चाहता हूँ कि वहाँ पे पेट्रोल कम होने के बावजूद भी वहाँ की जो महंगाई दर है भारत देश के बराबर है। ऐसा क्यों क्यों? अगर वहाँ पे पेट्रोल की रेट कम है तो महंगाई दर वहाँ पे कम होनी चाहिए ना। इस अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ऐसा कोई राष्ट्र नहीं होगा जो इस महंगाई से अछूता न हो।
महंगाई की मार सबके ऊपर है। यहाँ पे सारे पार्टियों को मिलकर एक तरह से विचार करना पड़ेगा कि इस महंगाई को किस तरीके से कम किया जाए। केंद्र सरकार को प्रपोजल देना पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, न कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप से होने वाला है। उपाय बताने पड़ेंगे यहाँ पे, उपाय बताने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, देशबंधु जी क्या कह रहे थे, आप बड़ा नाराज दिख रहे थे अंकुर भाई से, क्या बात हो गई? नहीं, नाराज नहीं दिख रहे थे, देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो देखिए नितिन जी, आप मुझे भी समय दिया करिए, अगर आप लोग जो है, सर पूरा समय आपको दिया मैंने शुरुआत में, कैसी बात कर रहे हैं, अगर आप बीजेपी की तरफ से बुलाते हैं, रही बात अंकुर जी, इतना पूरा समय मैं आपको देता हूँ, नहीं नहीं उनके सर्टिफिकेशन की किसी को जरूरत नहीं है। और रही बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी, आप बताइए इन्होंने देश को क्या किया, नहीं इन्होंने देश को क्या किया, देश की दुर्गति में जितनी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टियां जिम्मेदार हैं। मैंने एक बात कही, दीक्षित जी ये बताएं, दीक्षित जी वो बताएं, 2014 से, अरे जनता जनार्दन आपको बता रही कि नहीं अंकुर जी, शर्म आती है कि नहीं चैनल पे बोलते हैं, 130 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है वो, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया की कोई ऐसी चुनौती नहीं आई। विडंबना है कि आप इतनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं चैनल पे आके, आपको मालूम हो इसी दौरान कोरोना की विभीषिका आई, आप पड़ोसी देशों की तुलना करते हैं, अभी एक चैनल पे कोई बुद्धिमान साहब बोल रहे थे नेपाल क्या हाल है पाकिस्तान के आर्थिक, उस पर विश्लेषण करिए, बहुत बड़े आप अर्थशास्त्र की भाषा बोलते हैं, आप तार्किक बातें करिए, क्या हालत है नेपाल की, क्या हालत है पाकिस्तान की, आप लोग दुनिया भर की बात करते हैं, और अंकुर जी जो हमारे जो है अभी जो आप कह रहे थे कल की डिबेट की, अरे भारत वर्ष की बात कर रहा हूँ नितिन जी, पहले मेरी बात सुनिए, आप जो कहते हैं नाराज की नहीं, या तो बात सुना करिए या मुझे डिबेट में, अरे रजी हसन बोल रहे हैं भाई, थोड़ी ना बोल रहा हूँ आपसे, पता है आपको मुझे क्यों लेकर नाराज हैं आप, दाल का रेट पता है, रजी हसन बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी से, आप किसानों के हाल जान रहे हैं, समाजवादी पार्टी क्या बोलेगी यार, चोर चोर मौसेरे भाई, देश की दुर्गति कर दी आप लोग कमरे के अंदर, ट्विटर बैठ धरातल पे रहते कहाँ हो यार, समाजवादी पार्टी नहीं ये बताओ, हार की कुंठा हो गई, एक परिवार तो नहीं, एक परिवार तो आपसे अडानी को देखिए, देखिए मुद्दे मुद्दे से भटकाइए नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, देश की महंगाई सुनाने मुद्दे से भटकाइए प्लीज, प्लीज बैक टू द टॉपिक प्लीज, रजी हसन, रजी हसन प्लीज, रजी हसन, रजी हसन की चोरी गद्दारी, देखिए मैं ऑडियो कर दूंगा आप लोगों का प्लीज, पार्टी की बात करते देखिए, टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे रहिए प्लीज, आपको काम नहीं कर पाते देश में, मात्र चीन पाकिस्तान, रजी हसन पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल, अरे देश सुनने की क्षमता सीखो, रजी हसन प्लीज, रजी हसन प्लीज, रजी हसन प्लीज, नहीं ऐसे नहीं होगा प्लीज, प्लीज आप लोग को जब जिस बात देखिए जी प्लीज टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे रहिए, रजी हसन प्लीज, यार आप बोलना बाबू, अपनी बारी में बोलना, आखिरी बारी है कि बोलना भाई प्लीज, अरे रजी भाई, रजी भाई अरे रजी भाई प्लीज, आप बताएंगे हमने विकास किया, अरे भाई हो गया, अरे रजी भाई हो गया यार, बोले तो उनको, रजी भाई आप पेट्रोल के दाम कब कम कर रहे हैं, बताइए आप बताइए, रजी भाई आपकी सरकार है, रजी भाई प्लीज, रजी भाई आपकी सरकार है, रजी हसन प्लीज, प्लीज रजी हसन प्लीज, प्लीज शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए, दीक्षित जी आप शांत होइए, दीक्षित जी शांत होइए, दीक्षित जी शांत होइए प्लीज, शांत होइए आप लोग, आप लोग शांत होइए, देखिए ऐसे डिबेट नहीं होती है, प्लीज दीक्षित जी मुझे, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आप लोग के पास, प्लीज शांत रहिए आप लोग, दीक्षित जी प्लीज, प्लीज रजी हसन, रजी हसन शांत होइए प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं होती है, नहीं रजी हसन, रजी हसन प्लीज, रजी हसन, आप ऑडियो डाउन करो भाई, दीक्षित जी का ऑडियो डाउन करो, दीक्षित जी का ऑडियो डाउन करिए, रजी हसन प्लीज शांत रहिए, देखिए डिबेट का डेकोरम बना करके रखिए, इस तरह से डिबेट नहीं होती है, वरना मैं आगे से बुलाना बंद कर दूंगा, जब बोल रहा हूं कि सुन लीजिए तो सुन लीजिए, ऐसे डिबेट मत करिए, मछली मंडी नहीं लगा रखी है मैंने यहां पर, दीक्षित जी, दीक्षित जी सवाल पे, दीक्षित जी, दीक्षित जी सवाल ले लीजिए, मेरा 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 सवाल ले लीजिए, इस समस्या से हम बाहर कैसे निकले, अगर कोई तारीफ कर रहा है या कुछ भी कह रहा तो हमें एलिगेशंस नहीं लगाने हैं ना, हमें तारीफ सुननी है, हमें समस्या से बाहर निकलना है, बाहर कैसे निकले ये बताइए हमें, नहीं
नितिन जी आपके जितने भी गेस्ट आए मैं शांतिपूर्वक सुना कि नहीं? हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं, बताइए। नहीं, मैंने शांतिपूर्वक सुना तो मैं भी कह सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए। नहीं, मैंने कहा आपके समाजवादी मित्र हैं या अंकुर जी, मैं इनसे एक ही फार्मूला पूछता हूँ, इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला बता दे क्या होता है फिस्कल डेफिसिट। चलिए मैं चैलेंज करता हूँ, ये बहुत बड़े। अरे भाई, मैं यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, आप कहाँ चले गए? ये नहीं, सुनिए, महंगाई के मुद्दे पे मैं बात भी बोलूंगा, ये इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बता दे, चाहे अंकुर जी बता दे, चाहे समाजवादी मित्र बता दे, और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है बता दे। अरे भाई, आप फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, प्लीज। नहीं, प्रदेशों में आपकी। अरे यार, आप ऐसी बात नहीं हटाते। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अरे सर टॉपिक पे रहिए प्लीज, यहाँ का टैक्स हटा दे। देखिए जी, टॉपिक पे गुंडागर्दी करेंगे। अरे टॉपिक पे रहिए प्लीज, गुंडागर्दी करेंगे आप फिजिकल डेफिनेशन बताइए ना यार, टॉपिक पे बात करो ना, टॉपिक पे रहिए प्लीज, बात करते बात कर। आप नहीं, क्या बता दीजिए, उज्ज्वला योजना आपकी क्यों फेल हो गई? 1000 का सिलेंडर क्यों हो गया? अरे उज्ज्वला योजना तो हमने दी, पेट्रोल के दाम कब कम कर रहे हैं? प्रदेश में आपकी सरकार है, 70 लाख लोगों को नौकरी कब दे रहे हैं, ये बताइए कौन है? आप आजम खान कहाँ है? आपके प्रदेशों में सरकार है, आप ठीक है। रजी भाई प्लीज, दीक्षित जी हो गया, मैं अंकुर जी के पास चलूंगा। अंकुर भाई, इतना क्या हो गया कि दीक्षित जी नाराज होंगे इतना? अंकुर भाई को आता नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बताए फिर होगी, फिजिकल डेफिसिट की बात अंकुर भाई बता दें। अंकुर भाई बहुत काबिल हैं और मैं इनकी विद्वता बता रहे हैं, सुन तो लीजिए आप। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, अरे सुन तो लीजिए, बता रहे हैं भाई वो, सुन तो लीजिए, बिल्कुल सुन बताइए। तो जैसे प्रेसी रूट जाती है ना, तो ऐसे दीक्षित जी जो है प्रेसी को अगर आप ना अंकुर जी कंपाउंड का फार्मूला मैं बताऊँ, जरूर कम था प्लीज, एक एक करके बोलिए आप लोग, एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए। दीक्षित जी सुन लीजिए भाई, देशबंधु जी सुन लीजिए प्लीज। बुला है, मैं पैनलिस्ट से आपसे समाजवादी अंकुर जी से पूछूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। तो भाई जवाब तो लीजिए, वो बोल रहे हैं फिजिकल डेफिसिट, मैं जवाब तो ले लीजिए, आप सवाल लटते रहेंगे तो जवाब कब देंगे, जवाब ले लीजिए, फार्मूला बताए। अरे भैया बता रहे हैं, सुन लीजिए, आप अकेले नहीं है, सुन लीजिए जवाब। हाँ अंकुर भाई, देखिए दीक्षित जी, सवाल तो हम लोगों को पूछना है, हम लोग विपक्ष में, आप हमारी भूमिका मत निभाइए, आपको वो भूमिका बहुत जल्द प्राप्त होगी। अरे लाल टोपी वाले गुंडे, तुम्हारी मंशा मैं जानता हूँ यार, तुम लोग की मंशा मैं जानता हूँ। महंगाई कब कम कर रहे हैं? देखिए ऐसे डिबेट नहीं होती प्लीज, ठीक है, बता दीजिए नींबू का दाम। अरे एक दूसरे की बात सुनिए भाई, बता दीजिए, जनता पूछ रही है, बेवकूफ बना दिया जनता को, मुकेरी लाल के सपने दिखाने वाले आप प्लीज, हो गया, आप बताइए, हो गया हो गया, आप लोगों का हो गया, हो गया, सपना पूरा नहीं, एक सपना पूरा बता दीजिए। रजी हसन प्लीज, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? आप बताइए पेट्रोल के दाम कब कम हो रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? रजी हसन प्लीज, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कब होंगे फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? गैस सिलेंडर के दाम कब बढ़ते हैं? 70 लाख लोगों को नौकरी कब मिलेगी? फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कब महंगाई की बात करूंगा, पहले बताइए फिर, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? बेरोजगारी कब खत्म होगी? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है आगे बढ़ते, ठीक है प्लीज, बेरोजगारी कब खत्म होगी? नहीं हो गया भाई, आप लोगों का इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए जी क्या ऑडियो गिरा रही है, ऑडियो गिरा रही है, ठीक है प्लीज, जनता को ठीक है। अंकुर जी सर्टिफिकेट दे रहे थे, समाजवादी पार्टी सर्टिफिकेट देती है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं आता नितिन जी, कैसे बात करूं? नितिन जी महंगाई की बात हो रही, फिस्कल डेफिसिट नहीं मालूम, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मालूम, अरे पेट्रोल डीजल के दाम हम बढ़ाते हैं। अरे भाई शांत रहो आप लोग यार, क्या कर रहे हो, शांत रहो आप लोग। हाँ अंकुर भाई, क्या देशबंधु जी सुन लीजिएगा पूरी बात फिर बोलिएगा। अंकुर भाई नहीं, फार्मूला बताएं। अरे सर मैं देखिए ऐसे भाई, फार्मूला बताएं। अरे सर मैं यहाँ फार्मूला बाद में हम लोग बात के डिस्कस कर लेंगे, पहले नहीं, देखिए अरे सर जो चर्चा हो रही है, बिल्कुल ना ना देशबंधु जी, जो चर्चा हो रही है पहले उस चर्चा पे हम लोग रह लेंगे, फिर आप थोड़ी देर में आइए ऑफिस में, यहाँ पर बैठ कर हम लोग चर्चा करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अंकुर भाई, अंकुर भाई प्लीज प्लीज, अंकुर भाई
पूरा बहुत शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 2017 में भारतीय जनता पार्टी 2004 से 14 तक क्या हुआ, 2004 से 14 तक क्या हुआ? आज आप बहुत इंटरप्ट कर रहे हैं भाई, सच में ऐसे आप डिबेट नहीं करते। दीक्षित जी आप ऐसे डिबेट नहीं करते थे, प्लीज ऐसे डिबेट नहीं करते थे आप बड़े धैर्य वाले प्रवक्ता हैं, लेकिन आज आप सुन नहीं रहे। कंपाउंड नहीं, आप महंगाई पर कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात ना उनको आप बड़े धैर्य वाले प्रवक्ताओं में हैं, लेकिन आप आज सुन नहीं रहे बात को। अरे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं, आप टिप्पणी। अरे मैं अंकुर भाई का नंबर आपको दे दूंगा, आप पूछ लीजिएगा उनसे फोन करके कंपाउंड इंटरेस्ट। अरे कुछ और चर्चा, अरे ठीक है मैं चर्चा कर रहा हूँ, बता देंगे वो, सुन लीजिएगा। अरे भाई दीक्षित जी, क्या होता है दीक्षित जी, प्लीज बोलने दीजिए प्लीज। ऐसा है, दीक्षित जी अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे तो इनकी सुनने की क्षमता खत्म हो गई। इतने प्यार से मैं कंपाउंड इंटरेस्ट सुनने की क्षमता, अरे बता तो रहे भाई दीक्षित जी, बता रहे तो बताओ फॉर्मूला, बता रहे सुन लीजिए वो। हाँ, बताइए मेरी बात को, बताओ फॉर्मूला। 2014 में बीजेपी सेंट्रल में, 2017 में उत्तर प्रदेश में, 2014 प्लस 2017 प्लस 2022 इजिकल टू भारतीय जनता पार्टी बराबर खून चुस्बा भारतीय जनता पार्टी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला था। डीजल बढ़ गए भारतीय जनता पार्टी की वजह से, भारत की जो जनता है उसका ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला था। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में दे रही है, जो सरकार को दो दो बार ले आए हैं जनता, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में ये जनता जनार्दन भुगतान कर रही है आज की डेट में। आपको इस बात को महसूस करना होगा, आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जनता के बीच में बैठे, आपको इस बात पे शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता है? आप उस पार्टी में पढ़िए अंकुर जी, पढ़ा करिए अंकुर जी। आपके घर के लोग जब गाड़ी से नहीं चलते, आपके घर में इकोनॉमी का सिलेंडर दुरुस्त नहीं होती है, आपकी गाड़ी का बिना पेट्रोल डीजल के चलती, जिस फोन के जिस मोबाइल के टॉपअप में पूरी दुनिया में 30 दिन का महीना होता है, हिंदुस्तान में 24 और 27 दिन का महीना मोबाइल कंपनी ने बना दिया। आप क्यों नहीं पेट्रोल पदार्थों को डीजल पदार्थों को डिबेट में कहते कि आप जीएसटी के दायरे में लाएंगे? लेके आइए जीएसटी के दायरे में, हम डिमांड करते हैं महंगाई पर कंट्रोल करना है, आप जीएसटी के दायरे में लेके आइए। फिजिकल डेफिसिट क्या होता बताओ तो यार, हो गया आप लोगों का, अंकुर भाई हो गया, हो गया, आ गई बात आ गई। अरे नितिन जी आ गई बात आ गई, महंगाई के मुद्दे पर फिजिकल डेफिसिट और कंपाउंड, ठीक है ये हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छी चीज है जो देशबंधु जी आप पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है मैं बताऊं। ना 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 सुनिए प्लीज 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 करिए, आप ठीक है, हो गया मैं आगे सुनूंगा। 14, 17, 22, ठीक है प्लीज मत किया करो, ठीक है प्लीज, हो गया आप लोगों का, हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, हो गया अंकुर भाई, हो गया प्लीज, बात आ गई आपको जी प्लीज, दीक्षित जी प्लीज, दीक्षित जी प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है प्लीज, आवाज डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। हाँ सुभाष जी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, देशबंधु जी लगातार फॉर्मूला पूछ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, फिजिकल डेफिसिट का, क्या कारण है कि आखिर इस तरह की बातें इस डिबेट में निकल के आ गई, क्योंकि हम महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, हम रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला डेफिनेशन क्या है? नितिन जी सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो डिबेट चल रही है, इस डिबेट के अंदर जिस प्रकार के शब्दों का उच्चारण किया जा रहा है, जिस प्रकार शब्दों की मर्यादा को लांघा जा रहा है, ये मुझे कहीं पर भी ये अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह से कोई डिबेट होती है। जब कोई भी प्रवक्ता चुपचाप सुन रहा है या जब कोई प्रवक्ता बोल रहा है तो सामने वाले प्रवक्ता को भी धैर्यपूर्वक उसकी बातों को सुनना चाहिए। ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सवाल उससे बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि रजी हसन बार बार उत्तेजित हो गए, बार बार उत्तेजित हो गए इसके अंदर बोच बीच में बोलना शुरू करें, ये एक सभ्य पार्टी के प्रवक्ता को शोभा नहीं देता। इनकी इसी हरकतों की वजह से बार बार जो इनके ऊपर जो तमगा लगता है कि ये विशेष पार्टी है या अराजक तत्वों की पार्टी, इसी वजह से लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की लाखों जनता आपके चैनल के माध्यम से डिबेट देख भी रही है, जिस प्रकार ये उत्तेजित हो रहे हैं, इनको समझदारी का ये परिचय देना चाहिए कि इनके सवालों के जवाब इनके सवाल नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के या उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सवाल हैं कि महंगाई के ऊपर कैसे पार पाया जाए। तो उस सवालों से कहीं ना कहीं देशबंधु दीक्षित जी शायद इरिटेट हो रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है, ये हम भी समझ रहे हैं। देशबंधु जी प्लीज 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 मैं आऊंगा आपके पास, सुन लीजिए।
उस चीज को न समझते हुए रजी हसन जी जो बार 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 जो चिल्ला रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं, उससे समाधान नहीं निकल रहा है। इनसे जब मैंने पूछा कि आपके पास क्या उपाय, आपके पास क्या समाधान है, नहीं बोलते। इनके सुप्रीमो से अगर पूछा जाए कि इनके पास क्या उपाय है, तो ये नहीं बोलते। उत्तेजित होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता है ना। उत्तेजित होने से क्या होने वाला है, ये बार 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 जो विकास की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर इन्होंने विकास किया था रजी हसन की पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, तो उत्तर प्रदेश की जनता इनको 2022 के अंदर क्यों नकार दिया। प्रवक्ता आरएलडी बैठे हैं अंकुश सक्सेना जी बार बार बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस सरकार के अंदर इनके पूर्व सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह सरकार में शामिल थे, उस समय प्याज 100 रुपए किलो के ऊपर चला गया था, तब ये चुप क्यों बैठे, तब इनके मुंह में दही क्यों जमा हुआ था, ये बार बार आरोप प्रत्यारोप क्यों कर रहे हैं। इस समस्या से निदान किस प्रकार निकलेगा उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश के नागरिक ही नहीं वरन पूरे भारत देश के नागरिक इस महंगाई से त्रस्त हैं। इसके ऊपर आप कोई निदान की बात नहीं करेंगे, आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप, शमशान कब्रिस्तान मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, इन प्रवक्ताओं के पास किसी के पास कोई उपाय नहीं है, ये उपाय न बताते हुए सिर्फ टांग खींचने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार जीएसटी के दायरे के अंदर लाने का प्रयास कर रही है ना, पेट्रोल के दाम कम होंगे, दूसरी सरकारें यहाँ पे हैं, कांग्रेस यहाँ पे सरकार बैठी हुई है, क्या पूरे भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है, दूसरी क्षेत्रीय सरकारें भी हैं, ये उनसे सवाल क्यों नहीं करते। अच्छा, एक और चीज बहुत अहम है कि कुछ दिनों पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी यही राजधानी लखनऊ में, और लगभग सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री आए हुए थे वहां पर। जब पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात हुई थी तो उन वित्त मंत्रियों ने सबसे ज्यादा विरोध किया था जहां पर बीजेपी की सरकार ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज मैं बोल रहा हूं ना कि ये समस्या का समाधान बताने की जगह सिर्फ टांग खींचने का प्रयास करते हैं। अगर ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं तो जब भी महंगाई की बात आती है, जीएसटी को दायरे के अंदर लाने की बात आती है, तो विपक्षी पार्टियां जहां पे वो रूलिंग के अंदर है, जहां पे वो सत्ता के अंदर है, वहां पे ये अपना कदम क्यों नहीं उठाती है, तब इनके मुंह में दही जम जाती है, नहीं उठाती है, डिबेट आएगी तो भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, भारतीय जनता पार्टी ने वो किया, आरोप का ठिकरा फोड़ना शुरू कर देती। अरे आप शुरुआत करोगे तो उत्तर प्रदेश के वरन जनता ही नहीं पूरे भारत देश की जनता आपका स्वागत करेगी, और वो जनता आपकी तरफ से बोलेगी कि नहीं, इस गवर्नमेंट ने सही काम किया, भारतीय जनता पार्टी को भी काम करना चाहिए। उपाय नहीं इनके पास, सिर्फ चिल्लाना। कम से कम कभी भी किसी भी चैनल के अंदर बैठे, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे, डिबेट अगर चल रही है तो उस डिबेट के अंदर शब्दों की मर्यादा का पूरा भान रखें। ये नहीं कुछ भी बोलना शुरू कर दें, कोई बोल रहा उसकी बात को सुन नहीं रहे आप, सुनने की क्षमता है नहीं, बने आए प्रवक्ता, सुनने की क्षमता रखिए, क्योंकि अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। ठीक है, अंकुर भाई आ रहा हूँ, जावेद भाई क्या रास्ता निकाला जाए, कैसे इन समस्याओं से उभरा जाए। हालांकि इस डिबेट के जरिए मैं जानने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन डिबेट किसी और रास्ते पर ही चली गई है। ये जो सिचुएशन है, जो इकोनॉमी का डाउनफॉल लगातार होता जा रहा है, ये सरकार चौतरफा घिर चुकी है, इसमें अभी कोई निकटतम कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। लेकिन जरूर सरकार की जो पहल है, जिसमें जीएसटी की कवरेज को बढ़ाना, अतिरिक्त स्रोतों का विस्तार करना, लेकिन जो अभी जनता को राहत की एक सुगुगाहट अगर सरकार की तरफ से आने की संभावना करीब नजर नहीं आ रही है। जनता को बर्दाश्त करना होगा, सब्र करना होगा, और जो हमारी एक लॉन्ग रोड मैप प्लानिंग है, जिसपे जो अवरोध है वो पूरे दुनिया में एक ही तरह का विषय चारों तरफ फैला हुआ है। हमारे पड़ोसी देशों में जो सिचुएशन सामने दिख रही है वो यही इसी से मिलती जुलती है। जब हमारा रिजर्व है, जो रिजर्व बैंक के पास जो हमारे जो एक तरह से आप कह सकते हैं जो भंडार है हमारे पास, उसका अगर उसमें गिरावट हो रही है तो जरूर ये चिंता का विषय है। और हम सबको मिलके, जहां विरोधी दलों की सरकार है या केंद्र की सरकार है या सत्ता की, दोनों की एक जगह यूपी में या आप मध्य प्रदेश में, क्या इसमें कोई बीच का एक समाधान, जिससे अगर पेट्रोल ही एक वजह है तो क्या उसमें जनता को राहत देने के लिए सरकारें कहीं अपने आप को पीछे कदम लेंगी। अगर ऐसा कुछ होता है तभी आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज आपको इंतजार करना है। वैसे हमारी सारी चीजें चाक चौबंद हैं, डरने की बात नहीं है, देश में किसी भी इस तरह की स्थिति नहीं पैदा होगी। लेकिन जो गिरावट लगातार है, जो डॉलर कमजोर हो रहा है, ये चिंता का सबब है। और हमें आंकड़ों से अब काम नहीं चलेगा, अगर पिछला क्या हुआ और अब क्या हुआ, कल की परिस्थिति कितनी तेजी से बदल रही है उसका आकलन नहीं है हमारे पास।
युद्ध का, यूक्रेन के युद्ध का आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। पूरी दुनिया समझ रही थी कि रूस को जो है घुटनों पे नाटो और उसके सहयोगी देश ला देंगे, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में उसने अपनी इकोनॉमी को रिवर्ट बैक किया, यानी दुनिया जमाने को उसने पेट्रोल जो है खनिज पदार्थों को कम दामों में बाजारों में बेचा और बहुत ज्यादा उसने भंडारण इकट्ठा कर लिया। क्या हमारे पास भी कोई ऐसा उपाय है? क्या हम भी इसका लाभ ले सकते थे? सवाल सरकार की है। तो इसकी तैयारी मतलब हमें हमेशा करी रखना चाहिए। इसमें जैसा कि मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सरकार अपने आप को मजबूत करने की स्थिति में है, कोशिश कर रही है, लेकिन सिचुएशन इतनी विकराल है कि वो इमीडिएट कोई रिलीफ नहीं है। जैसे आप देखें कोयले के भंडारण में जो ये अचानक नहीं आया है, इसकी अलार्म हो रही थी, इसको बताया जा रहा था। आज हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक या कुछ ऐसा व्यवस्था करें जहां पे हमारा कम पेट्रोल खर्च हो। इमीडिएट रिलीफ इससे नहीं मिलना है, ये लॉन्ग टर्म प्लान है। और सिर्फ जो है एक ही वजह नहीं है पेट्रोल, बहुत सारी वजह है जिस पे सरकार काफी गंभीर है मुझे लगता है, लेकिन हमें जनता को रिलीफ देने के लिए इमीडिएट कुछ नहीं दिख रहा है। हमें इंतजार करना है और हमें सार्थक प्रयास करने होंगे, उसमें विपक्षी दलों की भी भूमिका वही होनी चाहिए जहां पे उनकी सरकारें हैं, क्या वहां बेहतर कर रहे हैं। एक देश एक टैक्स, तो इसके अच्छे नतीजे भी हैं और दुष्परिणाम भी है जो हमें देखना शुरू हो गए हैं। पहले ऐसा होता था कि सरकारें अपने आप में थोड़ा सा कम होती थी और जिससे उसका आप जनता को राहत मिल जाती थी, लेकिन यूनिफॉर्मिटी की वजह से ये एक इम्पैक्ट है, लेकिन इसके अच्छे भी रिजल्ट आते हैं। तो अभी मेरा सिर्फ इसमें यही कहना है कि हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ साथ शॉर्ट टर्म प्लानिंग पर आना पड़ेगा जिससे जनता को हम राहत दे सकें। ठीक है मैं आता हूँ। अंकुर सक्सेना कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात कर लीजिए। समस्याओं को लेकर या विपक्ष को लेकर, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, विपक्ष का भी अधिकार है कि हम लोग सत्तारूढ़ दल के उन कार्यों का जो जनता की भावनाओं के प्रतिकूल है घोर विरोध करें और उसी अधिकार के अंतर्गत हम लोग अपनी बात रखते हैं। इसी तरीके से सत्तारूढ़ दल का भी ये कर्तव्य है कि विपक्ष अगर किसी डिबेट में बैठा अपनी बात को बोल रहा है तो बीच में रिस्पेक्ट ना करे, लेकिन मजबूरी हो जाती है सत्तारूढ़ दल की कि जिस समय विपक्ष अपनी बात कहता है और सत्तारूढ़ दल के पास उस चीज का जवाब नहीं होता है तो जो डिबेट का माहौल खराब करते हैं उसके लिए आप विपक्ष के ऊपर आरोप नहीं लगा। ठीक है अंकुर भाई, सुभाष जी कुछ कह रहे हैं फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। दूसरी बात है, आपने कहा अटल जी के समय में प्याज 100 रुपए किलो हो गया था उसी का, और हमारी सरकार राष्ट्रीय लोकदल सत्ता में थी, 100 रुपए किलो प्याज था, तो विपक्ष ने उस समय उसका मुद्दा बनाया था नहीं बनाया था? और जब हम जनता की भावनाओं पे खड़े नहीं हो कर पाए तभी तो हम प्रदेश केंद्र और प्रदेश की सत्ता से बाहर हुए। विपक्ष में है लेकिन हमने अपना संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा और हमारी भी जन भावनाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है राजनीति में से भी व्यक्तिगत नहीं होती है, जनता के लिए हम लोग लड़ते हैं, जनता की बात से लड़ते हैं और उसमें हमें किसी तटस्थ व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति के लिए कहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि हमने विपक्ष के तो मुद्दे के लिए क्यों जबरदस्त तरीके से जनता की बात होगा। अंकुर सक्सेना जी, मेरा आपसे एक छोटा सवाल है। अभी आपने पूरी बात रख दी, आपने बोला विपक्ष को पूरा अधिकार है सत्ता पक्ष से सवाल करने का, तो अब छोटा सवाल ये है, थोड़ा सा आपको पीछे लेके आता हूँ, शायद आपको याद ना हो या फिर याद भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। राजस्थान जो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य जहाँ पे कांग्रेस शासित सरकार है, और वहां पे मैं आपको याद दिलाता हूँ कि RLD ने पिछला चुनाव कांग्रेस से मिलकर लड़ा था, वहां पे RLD का एकमात्र विधायक है। तो भैया आप विपक्ष जो सवाल कर रहा है सत्ता पक्ष से, तो आज तक आपके एकमात्र विधायक ने राजस्थान की विधानसभा के अंदर इस बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर क्यों नहीं सवाल पूछा? जहां सवाल पूछने की बारी आती है सवाल ही नहीं पूछते हो, डिबेट पे बैठ जाते हो, डिबेट पे टांग खींचते हो, नहीं सवाल का जवाब दीजिए। 4 साल कंप्लीट हो गए, 1 साल बचा है, अब तक उस एकमात्र विधायक ने आज तक उस महंगाई के ऊपर क्यों नहीं बोला? सरकार में शामिल हो राजस्थान के अंदर, बताइए। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप भी उपाय नहीं बता रहे हो, आप भी सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहे हो,
आपने अब तक एक घंटे के डिबेट के अंदर ऐसा कोई ऐसा जवाब नहीं दिया या ऐसा कोई उपाय नहीं बताया जिससे कि महंगाई के ऊपर लगाम लगे। आप क्या कर रहे हो? आप आरोप लगा रहे हो हैं? अरे ये तो वही कहावत आ गई ना, हम करें तो रामलीला, दूसरे करें तो रासलीला। आप करो तो अच्छा है, सत्ता पक्ष अब कर रहा है तो गलत है। पहले अपने घेरे बाद में जाके देखो ना भैया, आप जहाँ जहाँ शामिल है सरकारों के अंदर वहाँ पे कोई उपाय नहीं है। बैठ जाओगे डिबेट में, भारतीय जनता पार्टी ये करती है, भाजपा वो करती है, खुद करके बैठे वो नहीं देखने। ठीक है अंकुर भाई, ठीक है अंकुर भाई। तो आपका ये भी अधिकार है कि आप अपने विधायकों से, आप अपनी पार्टी के विधायकों से भी सवाल पूछे कि वहाँ पे वो सवाल क्यों नहीं उठाते हैं। जहाँ पे जनता ने चुन के उनको दिया वहाँ पे सवाल नहीं उठाओगे, आप डिबेट में बैठ के सवाल उठाओगे। ठीक है अंकुर भाई, ठीक है, प्लीज 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 प्लीज, ठीक 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 है अंकुर भाई, ठीक है ठीक है। हाँ रजिए, ठीक है प्लीज, ठीक 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 ठीक। हाँ रजिए भाई, सुभाष जी ने कहा अरे अंकुर भाई शांत हो जाइए, थोड़ा सा बोलने दीजिए। आप ही शांत करो, आपके साथ ही थोड़ा सा पानी। अरे आपके साथ ही उनको क्यों शांत करा रहे हो आप? नहीं थोड़ा सा बोल रहे हैं, हम बोलेंगे, अभी अपनी बात ही रखने जा रहे हैं और वो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं, उनका भी सम्मान किया जा सकता किया जाता है। अभी सुभाष भाई ने बोला कि महंगाई के बारे में जल्दी जल्दी बात नहीं करना चाहता, महंगाई को कम कैसे किया जाए। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बगल में बैठे हैं, इन्होंने इनको भी ये इसका सजेशन नहीं दे रहे। किसके प्रवक्ता? आपने बोला हमारे बारे में। अच्छा, प्रवक्ता जी बैठे ये भी नहीं बता रहे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी बताया कि कोई मतलब तरीका नहीं बता रहे कि कैसे महंगाई कम हो। आपको बताया सुभाष जी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता आपके बगल में बैठ के, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी आपकी शालीनता से आप अपनी बात रख रहे हैं और सरकार के पक्ष की बात रख रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं तो लगा कि जो है आप पक्ष की काम, वो तो ये कह रहे हैं कि रास्ता खोजो भाई मिलकर के। सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात थोड़ी ना कर रहे हैं सुभाष जी, बहुत अच्छा पक्ष रख रहे हैं सरकार का। अरे पक्ष नहीं रख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप सब मिलकर रास्ता निकालो। बहुत-बहुत बधाई, रुक जाइए नितिन जी, आप बोल दे दीजिए। और उसके बाद इन्होंने कहा कि कैसे महंगाई कम होगी ये नहीं बताते, हमारे नेता के बारे में भी कहा। उसके बाद बता दीजिए कि अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, आपने ध्यान होगा शायद 3-10 मार्च को सरकार बनी आपकी, आपकी 10 मार्च को सरकार बनी, क्या हुआ आपने देखा उसमें पेट्रोल के दाम कम हुए थे कि नहीं? जब जब चुनाव पूरे प्रदेश में या पूरे देश में कहीं ना कहीं होता है सुभाष जी, आप पहले समझ लीजिए कि तत्काल पेट्रोल के भी दाम कम हो जाएंगे, जल्दी से दाम कम हो जाएंगे, समय बहुत, प्याज का भी दाम कम हो जाएगा, अरहर की दाल का भी दाम कम हो जाएगा। एक तरह से पूरी तरह से सरकारी खजाने का उल्लंघन करके उसको फ्री बांटने का भी इंतजाम हो जाएगा और तुरंत दाम कम हो जाएंगे। चुनाव हो जाने के बाद, सरकार बन जाने के बाद तत्काल जंप मार जाता है, पेट्रोल भी नींबू महंगा हो जाता है, प्याज महंगा हो जाता है। ये बताइए प्लीज, आप इसके बारे में बताइए क्यों हो जाता है। देशबंधु जी हैं आप, आवाज मिल रही है आपको? मुझे मिल रही है। देशबंधु जी, लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या रास्ता निकाला जाए, कैसे इन समस्याओं से लड़ा जाए और कब तक आप भरोसा दिला रहे हैं? ये भी पूछा जाए, प्लीज। नहीं नहीं, समय भाई, रजी भाई समय कम है, नहीं नहीं चुनाव में, अरे यार रजी भाई समय कम है, बोल लेने दो आप, बहुत चुनाव में सस्ता हो जाता है, उसके बाद महंगा हो जाता है, ये गलत बात है, आप बोल लेने दो उनको। हाँ रजी भाई, इस तरह से जनता को लुभाया जाता है चुनाव। देशबंधु जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। अरे इसका यही जवाब है, अभी इन्होंने जो प्रश्न किया पहले में उसका आपने बोलने तो दिया नहीं। खैर इस बात का खेद है कि आप महंगाई जैसे मुद्दे पे ले आते हैं और केवल आरोप प्रत्यारोप झूठा, खैर कोई बात नहीं। और मैं इस टाइप की डिबेट में बैठना भी नहीं, टिके हुए नहीं, नहीं नहीं मैं इस टाइप की डिबेट में बैठना भी नहीं पसंद करता हूँ, जहाँ जो है नहीं आप ना बुलाएं तो वो अच्छा है, ऐसे लोगों के बाद में ठीक है, आप जा सकते हैं, धन्यवाद आपका, धन्यवाद नहीं और दूसरी बात देशबंधु जी प्लीज प्लीज नहीं प्लीज प्लीज देशबंधु जी थैंक यू, धन्यवाद आपका, आज के बाद हम आपको इनवाइट नहीं करेंगे, थैंक यू आपका। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए। देशबंधु जी के पास कोई जवाब नहीं था जिसकी वजह से आज वो इतना झल्ला करके जवाब दे रहे थे, क्योंकि महंगाई के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही है और सरकार के सामने कोई भी रास्ता अब नहीं बचा हुआ है। और इसी वजह से आपने देखा भी कि किस तरह से देशबंधु दीक्षित इस पूरी डिबेट में किस तरह से एक अलग ही मूड में चले गए थे। फिलहाल आज की इस डिबेट में मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी
सच साहस सरोकार।